राजधानी दिल्ली में सरकारी एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बिजवासन विधानसभा के महिपालपुर की। महिपालपुर में जहां एक तरफ आप देखिए आधी रोड सूखी पड़ी, तो आधी रोड में जिस तरीके से लगता है कि यहां पर बरसात का पानी है, लेकिन ये बरसात का पानी नहीं, सीवर का गंदा और बदबूदार पानी है, जिससे कि रोजाना यहाँ से हजारों लोगों को गुजरना पड़ता है और इलाके के लोग जो है अब उनके ऊपर बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। और जो लोग हैं वो इस कदर डरे हुए हैं कि कभी भी उनके बच्चों को कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि ये देखिए सीवर किस तरीके से ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है और ये आलम पूरे महिपालपुर में जगह जगह पर है। अब तस्वीरें हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरीके से यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, क्योंकि ये महिपालपुर की मेन सड़क है जो कि एयरपोर्ट कर भी इस रास्ते को जोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं इस गंदे पानी से निकलते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, दुकानों के नीचे से पानी निकल रहा है तो कुछ लोगों के बेसमेंट के अंदर गंदा पानी भर जाता है। सोचिए अभी राजधानी दिल्ली में बारिश भी नहीं हो रही है। जी हाँ, एक बारिश हुई थी उसके बाद से लगातार यहाँ पर सीवर जो है ओवरफ्लो है और किस तरीके से गंदा पानी बह रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, महिपालपुर के लोगों ने बताया कि वो विधायक के दफ्तर पर जाते हैं तो तब भी उनको जवाब नहीं मिलता है, चाहे वो निगम पार्षद के पास पहुंचते हैं तब भी उनको उनकी समस्या का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये पानी देखिए किस तरीके से जगह जगह पर ओवरफ्लो होकर, सीवर का ओवरफ्लो होकर ये पानी जो है वो बह रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो सरकारी एजेंसियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, क्या इस समस्या से लोगों को निजात दिला पाएंगे। लेकिन ये पानी आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर बह रहा है और इससे चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों या दुपहिया चलने वाले लोग, उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये गंदा और बदबूदार पानी जो है उनके कपड़ों पर भी पड़ता है, साथ ही साथ जिस तरीके से आसपास में कई सारी दुकानें हैं खाने पीने की, उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब ग्राहक जो है उनकी दुकानों पर नहीं रुक रहे हैं। साथ ही साथ अब गलियों में हम आपको जब ले चलते हैं तो गलियों की जब तस्वीर दिखाते हैं तो गलियों में देखिए किस तरीके से जगह जगह पर सीवर के ढक्कन हटाए गए हैं कि जी हाँ किस तरीके से इसका जो ओवरफ्लो पानी है उसको निकाला जा सके। तो उसके लिए भी यहाँ पर प्राइवेट कभी कभी कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे समस्या से निजात जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। कई बार तो है स्कूली बच्चों की अभिभावक जो है छुट्टी भी करा देते हैं, क्योंकि बच्चे इस गंदे पानी से कैसे होकर किस तरीके से इस रास्ते से कैसे वो स्कूल जाएंगे। तो अच्छी खासी दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, गलियों की तस्वीरें हैं जहाँ पर गली में आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर सीवर का गंदा पानी है वो बह रहा है। ये तस्वीरें महिपालपुर की हैं और महिपालपुर में जो आलम है वो आप देखिए। और लोगों ने बताया कि इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में विधायक को भी शिकायत दी, उनको भी अवगत कराया, लेकिन विधायक के पास भी वीडियो गया, उसके बावजूद भी इनकी समस्या ऐसी ही बनी हुई है। जगह जगह पर आप देखिए किस तरीके से ढक्कन हटे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासन जो है वो जागता है और जो समस्या है महिपालपुर के लोगों की, क्या वो समस्या का निजात जो है वो मिल पाएगा लोगों को, समस्या जो खत्म है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। फिलहाल यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो क्या कहते हैं, अब उनकी जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। अब सोचिए कि अगर बारिश हो जाती है तो किस तरीके का हाल इस गलियों में होगा, जिन गलियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिना बारिश के अगर आप सोचिए कि यहाँ का जगह पर जो सीवर का गंदा पानी है, सीवर किस तरीके से ओवरफ्लो होकर बह रहा, तो वो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर बारिश होती है तो सोचिए कि इन लोगों की किस तरीके की मुसीबत जो है लोगों की बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखिए विधायक को जो है यहाँ पर बकायदा जो विधायक है उनको भी वीडियो भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो देखा गया लेकिन इस समस्या से निजात नहीं दिलाएगी। आखिरकार क्या नेताओं की मनमर्जी की वजह से ये लोगों को दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल रही और समस्या से लगातार जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो किसके पास जाए, क्योंकि जो काम किसका है ये इनको नहीं पता। इन्होंने हालांकि इसलिए नेता चुना था कि नेता जब चुने जाते हैं तो उनकी समस्या जो होती उस समस्या से लोगों को निजात मिले। अब देखिए बेसमेंट में किस तरीके से जो पानी है, सीवर का गंदा पानी जो है वो भर जाता है जिससे दिक्कत हो रही है, बदबूदार पानी है जिससे कि यहाँ पर चाहे वो दुकानदार हों चाहे घरों में रहने वाले लोग, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा बहरहाल सिविक एजेंसियां कब काम करती हैं और कब लोगों को राहत मिलेगी। आर सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देखें तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आर सोनी के लिए आप देखें कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। जिस दिन बारिश आई और चारों तरफ कंप्लेंट कर ली, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सी गली है ये, किस जगह पर है ये गली? नंबर फ्रंट रोड में पालपुर बत्ती से निकलते ही गुड़गांव की तरफ चलते ही ये अंडर पास गया वहाँ एयरपोर्ट में, ये बंद है। लेकिन अभी तो बरसात भी नहीं हो रही और इस तरीके से पानी बह रहा है, पूरी एल ब्लॉक, के ब्लॉक, रंगपुरी सारा पानी यहीं आता है
और कोई रास्ता ही नहीं है, मेन रास्ता ये है, ये बंद है। विधायक को आप लोगों ने कभी कुछ सब कुछ कह लिया? विधायक के पास अब भी बैठे हैं वहाँ कॉलोनी वाले, वो कहते हैं कहीं निकल ही नहीं रहा, झूठ बोलते हो। अभी फोटो भेजे हैं, जिसके पास जाते हैं ना कहता है कि हमारे अंडर में ये नाला नहीं आता। एमसीडी के पास हम गए, डब्ल्यूडी वाले के पास हम गए, ऑथरिटी वाले के पास हम गए, हाईवे वाले के, सब ने ये जवाब दे दिया जी हमारे अंडर में नहीं आ रहा। मैंने जून साहब के पास भी, जो यहाँ का विधायक है, उसके पास मैंने वीडियो भेजी। मैं एमएलए जी जून साहब जी ये आके देखो, बोला वीडियो भेजो। मैंने वीडियो आज मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए वीडियो भेजे, फिर भी बिल्कुल कोई सुनाई नहीं। ये देखो हम तो बीमार हो जाएंगे, पीछे तक के नाले भरे हैं, घर तक के इतनी गंदी बदबू आ रही है, कैसे हम बेटा जीवेंगे यहाँ। यहाँ एयरपोर्ट के पास भी ये एरिया है और यहाँ पर क्योंकि अब दिक्कत आप लोगों को हो रही है आने जाने में, आने जाने में दिक्कत है। एयरपोर्ट के आप दिखाई तो दे रहे हैं, आपने दिखाई तो दे रहा होगा ना ये कि भाई क्या हाल हो रहा है यहाँ। अरे और बारिश का तो कोई नहीं भाई, बारिश का मैटर हो तो हम ये सोचे भाई बारिश का वो है। और ये जो नाला है बड़ा, ये आगे से बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, 5 दिन से हो रही है। ये कह रहे हैं छोटे नाले कॉलोनिया के इसके अंदर नहीं जाएंगे। पहले नहीं दिखा था बेटा ये के छोटे बड़े नाले कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, सफाई ना नहीं सफाई करते बेटा, बड़े बड़े जिस दिन बारिश हुई ना पहली, उसी दिन से ये समस्या है। तो बारिश तो भाई इतनी आई भी नहीं है, पहले से ये इतने भर गए सबके घर में, पानी निकलने लग रहा है गंदा। और कोई बीमारी को भी लेकर, हाँ बीमारी सब के गले खराब, बुखार सब हो रहा है, इतने मच्छर डेंगू आ रहा है और इतनी बदबू आ रही है घर में भी सब क्या में, सारी गलियां भरी पड़ी है। आप लोग यहाँ पर जो विधायक है चाहे निगम पार्षद है, क्या उनको बताया कुछ? जी बिल्कुल बताते भी है जाते भी है, वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं है, वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं है, हम किस किस के पास जाएंगे। ये तो सार्वजनिक है, रोड का है, अगर सीवर वगैरह हो तो हम भी कर लें। मेरी या न्यूज में ये किसके अंडर में है मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले मैंने ये बता दो भाई ये अंडर में किसके में, हम उनके पास चले जाएंगे? नहीं ये देंगे तो सही तला तो देंगे, करेंगे कोई तो सुनेगा देखेगा, तो हम ये तो उसके पास ताकि ये बीमारी इससे बढ़ेगी। आप लोग बढ़ेगी बीमारी तो जब गंदगी है तो, घर में बीमार है, गंदगी है तो बीमारी बढ़ेगी ना, घरन में वापस जान लग रहा पानी, घरिया में पानी बढ़ने लग रहा है, निकलन का रास्ता ना वहाँ आ जाए या गंदगी में पीछे निकलिया में जाकर देख कितना पानी भर गया घर में भी जा जाकर भैया, कितनी दिक्कत हो रही है, हमने निकलने की बीमारी बन जाएगी। ये तो सारी बेटा सिड़न लग रहा सबके में, तो ये तो देखना चाहिए ना ट्रैफिक को कितनी दिक्कत है, लोगों को कितनी दिक्कत है। हम तो बेटा बहुत परेशान हो गए, सही बताऊं मैं तो। पर आप लोगों को हो रही है बारिश का तो सब समझते हैं कि चलो बारिश हो रही है, सीवर ब्लॉक हो गया, लेकिन ये ना रोज का हो गया, ये रोज ही ब्लॉक रहता है, इसीलिए बच्चों को ना इधर से जाते घूम के लेके इतना लेट हो जाता है हमें आने जाने में। बीमार भी लगते हैं, बीमार तो हो ही जाते हैं, बीमार तो होंगे ही जब बच्चे इतनी कीचड़ में, इतनी गंदगी में से निकल के जाएंगे, स्मेल इतनी गंदी आती है ना कि बिल्कुल निकलने का ही मन ना करता। एक दिन का हो गया, 2 दिन के हो गए, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे को कुछ हो जाए तो यहाँ रहती है। ये हालत ऐसी है, ये तो 8-9 महीने हो गए इसको, तो ये इतना पानी भरा रहा है, बिल्कुल ऐसे पानी भरा हुआ चलता है, सारे बच्चे बीमार हो गए, मतलब साल से तो इशू है ही, लेकिन अब कंटिन्यू भरा रहता है, बहुत बीमारी हो रही है, निकलने का रास्ता नहीं, पूरी पोटी बाहर निकलती है, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है न कोई। कितनी दिक्कत हो रही है जो सीवर का पानी बह रहा है? एक हफ्ता हो गया पानी सीवर का बहुत तेज बह रहा है, आज तक तो कोई बनाने के लिए नहीं आया, ठीक करने के लिए आया, अच्छा। गाड़ी वाला आ रहा है, कोई कितना कंप्लेन करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है, ग्राहक भी नहीं रुक रहा, ग्राहक आकर नहीं रुक रहा है, कोई अपना रास्ता देकर चल जा रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है इसलिए कोई नहीं आता है। बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश भी नहीं हो रहा है, एक हफ्ता हो गया कम से कम, कहाँ कहाँ कंप्लेन कर लीजिएगा, कोई नहीं आ रहा बनाने वाला आज तक। जब गटर शिवर बंद होता है तभी पानी बढ़ जाता है, तभी बारिश हो ना हो
बढ़ जाता है अंदर आया। अभी भी भरा हुआ है? अभी भी भरा पड़ा अंदर। तो कैसे निकाल रहे हैं आप लोग पानी? बाल्टी से डालते बाल्टी से निकालते बाहर कोई। अच्छा, ये पूरा बदबूदार पानी है, बीमारी को लगता है? ईश्वर का पानी है। अच्छा जी, ईश्वर का पानी है। तो यहाँ तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, बिल्कुल बदबू आ रही है, पूरी महक आ रही है, पूरे होटल में फैल जाता है।